नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपका चैनल एग्री बड़ी अध्यात्म में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर, और दोस्तों जो इस समय माहौल चल रहा है आलू का उसके ऊपर बात करने के लिए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि अब बौखलाहट साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे रही है। लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, थोड़ी देर के लिए वीडियो डालने के बाद कमेंट पढ़ते हैं कि किसानों का रुझान क्या आ रहा है। किसान जब कमेंट में गाली देते हैं तो उसके बाद कमेंट बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि किसान, मतलब आप मेरी समझ में एक चीज ये नहीं आ रही है कि अगर हम दोस्तों दो तीन साल से वीडियो बना रहे हैं दिल्ली आजादपुर के, हम कंटिन्यू भाव बताते थे मंडी के हमेशा। जब मंडी सस्ती बिक रही है और हम ये कह रहे हैं कि मंडी में आलू सस्ता बिक रहा है, खेतों पे आलू महंगा बिक रहा है, कोल्ड स्टोरों में आलू महंगा बिक रहा है, जो शुगर फ्री के आलू की बेल्ट है उनमें, तो दोस्तों लोगों को मिर्ची लग रही है। उसके बाद भी लोग निवेदन कर रहे हैं किसानों से कि आप हमारे कमाई कराइए और हमारे आलू भिजवाइए मंडी में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि योगी जी यूट्यूब चैनल वाले रोक रहे हैं आलू यूपी का दिल्ली आजादपुर के लिए, तो क्या करें इसका मतलब? सस्ता बेचते किसान अपना आलू, 100 रुपए सस्ता बेचते, 200 रुपए सस्ता बेचे, मजबूरी है क्या ही? मतलब आप लोगों का चैनल चलता रहे, आप लोगों की आड़तें चलती रहे और आलू सस्ता बिकता रहे। आप अपनी क्षमता को समझिए। जिस मंडी में लास्ट ईयर 150-150 गाड़ी इन दिनों तक बिक जाती थी, मतलब 100-125 गाड़ी बिक जाती थी, आप लोगों की देन की वजह से, जिस हिसाब से आपने किसान के साथ व्यवहार किया है, जो हमें किसान बताते हैं, उसकी वजह से आज 70 गाड़ी बिकना मुश्किल हो रही है। मौसम भी ठंडा है, टिक्की पड़ाके भी चल रहे हैं। उसका कारण क्या है कि दिल्ली एनसीआर की जो और मंडियां हैं वो दिल्ली आजादपुर से अच्छा काम कर रही होंगी, या तो मेरी कोई दिल्ली आजादपुर मंडी से सरकारी मंडी है, अगर मुझे लग रहा है कि आलू सस्ता बिक रहा है, जयपुर में आलू महंगा बिक रहा है, कानपुर में महंगा बिक रहा है, तो तुम लोगों को इस चीज से बुरा क्या लगना है बताओ आप मुझे? किसान का आलू अगर 2 रुपए महंगा बिक जाए किलो, तो इसमें बुराई वाली बात क्या है? फिर आप किसान अपना चैनल चलाने के लिए, अपना आड़ते चलाने के लिए लोग ये कह रहे हैं, मैंने वैसे आड़ती इस बात को नहीं कहते हैं, पर चैनल वालों की बौखलाहट आपको साफ दिख जाएगी। उनको क्या करना है? तुमको मंडी के भाव लेने हैं कि तुमको मतलब किसान का आलू मंडी में मंगाने का तुमने ठेका ले लिया है, या तो तुमने ठेका ले लिया है, या तुमको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आलू कम बिकना शुरू हो जाए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हम क्या करेंगे फिर? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो दोस्तों ये सारी चीजें बौखलाहट है। लोग कह रहे हैं कि नकली दवाएं बिक रही हैं, नकली बीज बिक रहे हैं, तो नकली दवाएं और बिक्री बीज के लिए तो व्यवस्था है ना, हमारा जो इंस्पेक्टर होते हैं वो हमारी दुकानें चेक करें आके हम नकली बेच रहे हैं कि हम असली बेच रहे हैं, ये तो सारी व्यवस्था है, ठीक है। फिर तो कोई आदमी कोई व्यापार कर रहा है तो इसका मतलब सब खराब ही कर रहा है। तो लोगों को अपनी समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस दिशा की तरफ चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों स्थिति ये हो रही है लोगों की कि आज दिल्ली आजादपुर की मंडी में यूपी का आलू ना के बराबर पहुंच रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कारण सासनी में कल बालाजी कोल्ड स्टोर है दोस्तों एक, उसमें 1230 रुपए छट्टा बिका है, 53 किलो या 52.5 किलो जो भी बिक्री होती है वहां पे, आधा किलो मेरे को आइडिया नहीं है, और बोली से बिक्री हुई है और 1230 रुपए बिका है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? श्री बालाजी कोल्ड स्टोर में दोस्तों, सासनी में। तो ये और शुगर फ्री आलू बिका है जाली वाला, लाल जाली वाला। तो जब कोल्ड स्टोरों पे आलू 1250 रुपए बिक रहे, 1230 रुपए, 1200 रुपए, 1150 रुपए इकट्ठा बिक रहे हैं, और दिल्ली आजादपुर की अगर हम बात करें तो दिल्ली आजादपुर में जो ब्रांडेड 3790 आलू है वो 850 रुपए तक बिक रहा है 50 किलो। अब आप मुझे बताइए कि ये अंतर या कितनों को पैसे किसान बेचारे करेंगे? हम लोग किसानों की ये मजबूरी है कि हम तो औरों की दुकानें चलवाएं या औरों को पैसे वाला करें, आप बताओ मुझे। तो दोस्तों ये गैंग है, ये सिर्फ आड़तों को चलवाने के लिए काम चल रहे हैं ये सारे। मेरे बहुत सम्मानित आड़ती हैं जो दिल्ली आजादपुर में काम करते हैं, पर समस्या इतनी है इस समय कि आप लोगों ने सारा ही गलत ले रखा है लोगों का। आप जिस जो सारे को आपको जिस सहारे के साथ आप चलना चाह रहे हो, उस कल मैं कमेंट दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों को एक और, हाँ एक असलियत और मुझे बताइए। एक हमारे राज सिकरवार जी हैं फेसबुक पे हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने कमेंट किया है दोस्तों मेरे कमेंट का, उन्होंने कमेंट में अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी तो उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि दिल्ली आजादपुर से आलू खरीद कर हरियाणा के जो कोल्ड स्टोर खाली है उनमें आलू जा रहा है। ये मुझे एक अंदर की रिपोर्ट दी है उन्होंने, अब वो कितनी सही है, उन्होंने कमेंट भी किया है दोस्तों, मैंने स्क्रीनशॉट मार रखा है और अपने उस पे क्या कहते हैं फेसबुक पे मैं आपको दिखा देता हूँ साफ साफ जो मैंने पोस्ट डाली थी उस पर। देखो ये कमेंट किया उन्होंने, आप फोटो खींच के आप इस कमेंट को पढ़ लेना। उन्होंने कहा कि सब्र करो, दिल्ली वालों की धड़कन रुकने वाली है मंडी की, यूपी का आलू दिल्ली में जाना बंद होने वाला है, किसानों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, अपना स्टॉक
कर रहे हैं शर्मा जी, जयपुर में आज भी आलू 22 रुपए किलो बिकाए, और थोड़ा संभाल के किसान को जागरूक करो जिससे लोग ठीक से काम करें, ठीक है। अब आप जो स्थिति मुझे बताओ कि स्टॉक कर रहे हैं लोग, खरीद के मंडियों में भेज रहे हैं, ये अगर ये काम किया जा रहा है तो ये काम दोस्तों बहुत गलत किया जा रहा है। हालांकि ये किसान ने अपने विचार व्यक्त किए और सबको स्वतंत्रता है अपने विचार व्यक्त करने की। तो दोस्तों जो भी दिल्ली आजादपुर के जो अधिकारी हैं, जो भी इन चीजों को मॉनिटरिंग करते हैं, वो लोग आकर जरूर देखें कि फुटकर में अगर देखा जाए तो दिल्ली शहर में आलू क्या रेट बिक रहा है, लोग क्या रेट जो कंज्यूमर है कंज्यूम करने वाला क्या रेट खरीद रहा है, और मंडी में आलू इतना सस्ता क्यों बिक रहा है, इसका क्या कारण है। हालांकि सस्ता बिक रहा है तो लोग आलू कम बेच रहे हैं, ठीक है, और भी एनसीआर की मंडियों में उनमें आलू भरपूर पहुंच रहे हैं, ठीक है। और कंपैरिजन अगर जयपुर और कानपुर की मंडी से लोगों को चिढ़े तो उन्हें समझना चाहिए कि आज जयपुर में 21 से लेकर 22 रुपए किलो बढ़िया आलू बिक रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को, 22 रुपए किलो का मतलब ये हो गया, और लोग जयपुर वालों को बेईमान बताते हैं कि वो पैसे नहीं देते। इसका मतलब दिल्ली में 70-80 गाड़ी की आमदनी है तो यूपी का सारा आलू 70-80 गाड़ियों में सिमट जाएगा, सही है ना। यही तो होता है, लोगों की मनसा तो यही है। कुएं का बेटा क्या सोचता है, कुएं का बेटा ये सोचता है कि मैं कुएं में हूं तो यही दुनिया है, इसके अलावा तो दुनिया है ही नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ये लोगों की मनसा है, आप समझ रहे हो। तो दोस्तों मेरा आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, मेरा दिल्ली आजादपुर के आढ़ती भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि समझदारी के साथ अपना काम करें। ये मत सोचो कि हम ही हैं तो हम ही हैं, ऐसा नहीं होता है। ये चैनल यूट्यूब चैनल है दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों, तमाम यूट्यूब चैनल बने हुए हैं और किसान के नाम पर वो किसान अब वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उनको कोई दुनिया से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये है कि आढ़तियों की आढ़त चल जाए, मेरा मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियोस पर व्यू आ जाए। वो लोग हमको तो ऐसे समझते हैं जैसे उनको ये तो कुछ है ही नहीं, इनका तो कोई वर्चस्व ही नहीं है, ना ये कुछ जानते हैं ना कुछ करते हैं। दोस्तों हम पैदा भी करना जानते हैं, उसको खोदना भी जानते हैं, उसको कोल्ड में स्टोर करना भी जानते हैं, उसे मंडी में भेजना भी जानते हैं, सब काम करना जानते हैं। मुद्दे की बात किसानों को बहुत बुरी लगी, किसानों ने कमेंट कर करके भर दिए, कमेंट बंद करके इनको भगोड़ों को भागना पड़ता है। कमेंट में तो विचार अपने व्यक्त करेगा किसान, उस कमेंट उस सेक्शन को इनको अगर इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो क्यों बंद करते हो उसको, पता तो चले दुनिया में कि तुमने किया क्या है, तुम करने क्या वाले हो, ठीक है। दोस्तों किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी उससे है जो तेजी के बावजूद भी किसान का आलू सस्ता बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं, और मंडियां नहीं है क्या भारत में, बार बार एक ही बात क्यों कहलवाते हो आप लोग मुझसे। शुरुआत करेंगे मंडी भाव की दोस्तों, तो सबसे पहले लोकल मंडियों से शुरू करेंगे, क्योंकि दिल्ली आजादपुर की बात हो गई है, दिल्ली आजादपुर के भाव आप देख ही लेना, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जयपुर के बारे में। जयपुर की दोस्तों आज मंडी में लगभग 50 से 60 गाड़ी की आमदनी है, एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके 20 से 21-22 रुपए किलो तक, 37-97 या वो आलू, हल्की क्वालिटी का आलू 19 से 20 रुपए किलो, हॉलैंड बिक रहा है 21 से 22 रुपए किलो, एलआर बिक रहा है 17 से लेकर 18 रुपए किलो तक। बात करें कानपुर मंडी की तो 60 से 70 गाड़ी की आमदनी है, गुल्ला 14 से 15 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का, और चिप्सोना बिक रहा है दोस्तों 18 से लेकर 19 रुपए किलो तक, 37-97 बिक रहा है 16 से लेकर 17 रुपए 18 रुपए किलो तक, हल्की क्वालिटी का बिक रहा है दोस्तों 14 से लेकर 15 रुपए किलो तक, हाइब्रिड आलू 15 से लेकर 16 रुपए किलो बिक रहे हैं, हॉलैंड बिक रहे हैं 18 से 19-19.5 रुपए किलो, सिंदूरी 18 से लेकर 19.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर 17 रुपए किलो तक। अब मैं कानपुर मंडी के भाव बता दूं और कानपुर मंडी में तेजी बता दूं तो लोगों को मिर्चें लग जाती हैं। मेरी जो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी कौन सी मंडी है, चेन्नई में तेजी है तो भी लोगों को मिर्च लगने लगेगी, कह रहे नहीं नहीं चेन्नई वाला आलू भी दिल्ली आजादपुर भेजो, चाहे 1 रुपया किसान को मिले चाहे नहीं मिले, ठीक है। लोगों की तो मनसा ये है, मंडी कोई किसी के कहने से नहीं चलती है, मंडी चलती है किसान के मन से, व्यापारी के मन से। बहुत दिन किसानों ने देख लिया जो हो क्या रहा है, अब आगे इतना आदमी जागरूक हो गया है कि अपने हिसाब से काम करेगा, वो करना भी चाहिए। मेरा काम कोरे भाव बताना नहीं है, मेरा हर तरह से जागरूक करने का काम है दोस्तों किसान को। अब बात करेंगे दोस्तों जयपुर की, मैंने बताई कानपुर को बता दी मैंने, और आप लोगों को बनारस के भी भाव बता देता हूं। दोस्तों बनारस मंडी में आज आलू बिके हैं आपके, इन मंडियों के बारे में लोग बात यूपी की मंडी में, जबकि यूपी सबसे ज्यादा आलू पैदा करके मार्केट में देता है, और यूपी की मंडियों के बारे में लोग ऐसी बातें करते हैं। बात करें दोस्तों बंगाल का आलू जो बनारस मंडी तक आ रहा है, वो आलू बिक रहा है 14 से 15 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से लेकर 14 रुपए किलो। आगरा का आलू बिक रहा है 16 से 17 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर 15 रुपए किलो। ये डंप के आलू पहुंच रहे हैं दोस्तों। बात करें आपकी मुंबई की, तो मुंबई में आज वीवीआईपी आलू 23 से 24 रुपए किलो बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 20 से 21 रुपए किलो बिके हैं, हाइब्रिड आलू 15 से लेकर 20 रुपए किलो बिके हैं। गुजरात का पुखराज 20 से लेकर 21 रुपए किलो बिका है, एमपी का ज्योति 22 से 24 रुपए किलो बिका है, 19,000 कट्टे की दोस्तों आमदनी। बात करें लखनऊ की तो एक्स्ट्रा सुपर चिप्सोना 18 से लेकर 19-20 रुपए किलो बिक रहे हैं,
हल्की क्वालिटी के 16 से 17 रुपए किलो, 37-97, 17 से 18 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी का 15 से लेकर 16 रुपए किलो। बात करें दोस्तों दिल्ली आजादपुर की, तो 115 गाड़ी की दोस्तों आमदनी है, जिसमें कि पंजाब यूपी के आलू की आमदनी बार बार लगातार घटती चली जा रही है। बात करें मैसूर की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 26 से 27 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 24 से लेकर 25 रुपए किलो, और 7 गाड़ी की दोस्तों आमदनी। कुछ दिन बाद ऐसा लगने लगेगा कि दिल्ली आजादपुर में आलू के वीडियो सिर्फ गिने चुने चैनल ही बनाएंगे। और मैंने कल दोस्तों कोई गलत बात कही, मैंने कहा कि जो चोर के दाढ़ी में तिनके वाली जो कहावत है वो सत्य हो गई। मैं बात कर रहा हूँ मंडी के बारे में, बुरी लग रही है मंडी के यूट्यूब चैनल वालों को, बुरी लग रही है मंडी के आढ़तियों को। ये क्या बात हुई भैया, मतलब तुम लोग क्या मंडी, क्या तुम लोगों ने खरीद रखी है पूरी, बताओ आप मुझे। मंडी तो सरकारी है भैया, और तुम दुकान चला रहे हो, मेरे को दुनिया गाली देगी, मेरे को यूट्यूब चैनल वाले तमाम गाली देते थे, अब दे रहे हैं कि नकली दवाई बेच रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो इसमें बुरा मानने वाली, ये तो मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हो गया। मैं मंडी के बारे में बात कर रहा हूँ, मंडी में तो और भी यूट्यूब चैनल वाले बात कर रहे हैं, पर जिनके दाढ़ी में जिन लोग अब समझ जाओ उन्हें बुरी लग रही है, तो जो ईमानदारी का चोला उड़ के बैठे उसको अलग हटाओ, और जो तरीके से काम करो आप साफ साफ कहो कि हाँ हम व्यापारियों का प्रचार करने के लिए, आढ़तियों का प्रचार करने के लिए बैठे हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और रेट से बिकना चाहिए पर आलू, ये समझदारी दिखाओ। बात करें तिरछी की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 28 से 29 रुपए किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 26 से 27 रुपए किलो। चेन्नई की दोस्तों बात करें, तो चेन्नई में एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 27 से 28 29 रुपए किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 25 से 26 रुपए किलो। 17 गाड़ी की आमदनी, लगातार आमदनी बढ़ती जा रही है, भाव भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बात करें बैंगलोर की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहे हैं दोस्तों 27 से 28 रुपए किलो आज। बात करें दोस्तों बैंगलोर की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 27 से 28 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 25 से 26 रुपए किलो, और हल्का बिक रहा है आपका डंप कट 25 से लेके 26 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी का 23 से 24 रुपए किलो बिक रहा है। बात करें पूना मंडी की, तो पूना में आज 30-32 गाड़ी की आमदनी, एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 21 से 22 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 19 से लेके 20 रुपए किलो। पूना मंडी आज 1 रुपए डाउन हुई है दोस्तों, आज बढ़िया आलू 22 रुपए किलो तक बिके हैं, जो कि कल 23 तक बिके थे। बात करें इंदौर का आलू, वो 23 से 25 26 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 20 से 21 रुपए किलो बिक रहा है। और मंडी टूटने का दोस्तों कारण एक ये भी होता है, कभी कभी आलू अच्छे नहीं पहुंचते हैं, क्वालिटी हल्की पहुंच जाती है, मंडी टूट जाती है। अब दिल्ली वालों के लिए तो हल्का आलू ही है, तो उनके यहाँ तो बढ़िया आलू पहुंचता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब किसानों के पास और व्यापारियों के पास विकल्प ही इतने हैं कि उनके पास अच्छा आलू पहुंचेगा ही, मजबूरी है, समस्या है। बात करें और जो बात पा रहा हूँ, जो किसान जो कमेंट कर रहे हैं कि जो स्टॉक कर रहे हैं आलू का खरीद कर, ये अगर ऐसा होता है तो भाई साहब किसान परेशान हो जाएगा, किसान जो कहेगा भैया। और हाँ एक बात और दोस्तों, ये लोग एक वीडियो में एक आड़ती है, उन्होंने कहा था कि हम पैसा देते हैं, हम उनके घर चलाते हैं, तो इनकी एक किसान ने मुझे यही बताया, शर्मा जी हमारी मजबूरी होती है, ये जबरदस्ती हमसे आलू मंगाते हैं कि हमने तुमको पैसा दिया है आलू भेजो, और इस सस्ता आलू हमारा मजबूरी में बिकवा के और ये अपना पैसा रिकवर करते हैं। ये ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है दोस्तों। आज एक किसान आएंगे मेरे पास इंटरव्यू देने दिल्ली आजादपुर के बारे में, कोशिश करूंगा आज बुलाऊं या कल बुलाऊं, वो देख लेना आप बिल्कुल पर्दाफाश कर देंगे कि मंडी में समय चल क्या रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों, मुझ पर ये काम लोग क्यों करवा रहे हैं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। मैं बता रहा हूं बार बार इनको कि मैं किसानों से पर्सनली जुड़ा हुआ हूं, मैं खुद किसान हूं, आप समझ रहे हो, और मेरी व्यवस्थाएं यूट्यूब से नहीं चलती हैं, ठीक है, तो आप जितना कुरे देंगे उतना आप नुकसान में जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि जी काम बंद करो। आपको अगर ये बुराई लगती है कि मैं दिल्ली के भाव बता रहा हूं, भाव सस्ते बता रहा हूं, तो जो चल रहा है मैं वही बता रहा हूं, मंडी में भाव कानपुर महंगी बिक रही है तो मैं वही बता रहा हूं, जयपुर महंगी बिक रही है तो मैं वही बता रहा हूं, ये मेरा काम है। बात करें नासिक मंडी की, तो 16 गाड़ी की आमदनी, एक्स्ट्रा सुपर आलू 24 से 25 रुपए किलो बिक रहा है। और दोस्तों एक नई बात, खंदौली में अब नगद में आलू की बिक्री हुआ करेगी। कल 40 कोल्ड स्टोर, किसान कोल्ड स्टोर, जो किसान कोल्ड स्टोर है जो किसानों के बने हुए, 40 कोल्ड स्टोर वालों को इन्विटेशन था, एक कोल्ड स्टोर एसोसिएशन की उन्होंने मीटिंग की थी, 25 कोल्ड स्टोर वाले उसमें शामिल हुए, और 25 कोल्ड स्टोर वालों ने सहमति दी कि 1% काटकर तुरंत पैसा किसान को नगद दिया जाएगा, जैसे उसका तुरंत आलू बिका और किसान को तुरंत नगद पैसा दिया जाया करेगा, 1% कटा करेगा, ठीक है दोस्तों, जो कि 1.5 कटता था और 1.5% पहले कटता था, और ज्यादातर आलू एक महीने की उधारी पे किसानों पे से लिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा, अभी तक सहमति बनी है, 25 कोल्ड स्टोर वालों ने सहमति दिखाई है कि आलू नगद में बिका करेगा, तो ऐसा काम करें तो उससे किसान को लाभ हो, एक महीना बहुत लंबा समय होता है किसान को नगद पैसा मिले, और व्यापार भी इससे सुधरेगा, अच्छे व्यापारी ही व्यापार कर पाएंगे कोल्ड स्टोरों में, तुरंत पैसा अगर जेब में होगा तभी आलू खरीद पाएंगे लोग, क्योंकि ऐसा व्यापार मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखा दोस्तों, जहां आलू भी ले लिया और एक महीने बाद पैसा दे रहे, जबकि कोई भी साउथ की मंडी हो 6-7 दिन में पैसा, मैंने खुद अपनी गाड़ी भेजी है चेन्नई में साउथ की मंडी में, 7-8 दिन से कभी ज्यादा होता नहीं है, 5-6 दिन में गाड़ी पहुंच जाती है, तुरंत पैसा आ जाता है, ठीक है, बेकार लोग आढ़तियों को भी बदनाम करते हैं इन चीजों से,
तो दोस्तों वीडियो अगर ठीक लगे तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दिन सुबह जैसा आपने सपोर्ट दिखाया है ऐसा सपोर्ट किसी ने नहीं दिखाया होगा। आप सभी का चरण वंदन करके बहुत बहुत धन्यवाद।